क्या स्मार्टफोन्स के अंदर इनोवेशन होनी या फिर क्या हम पीक स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आज मेरे पास है आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि है सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम एप्पल। एंड एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स आउट देयर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स आउट देयर। तो ऐसे में इस स्मार्टफोन के अंदर जो बदलाव आए हैं, बहुत से लोग उससे इतने ज्यादा खुश नहीं है। चेंजेस इंक्रीमेंटल है, इतने मेजर अपग्रेड्स भी नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि और क्या हो सकता था, एंड क्या हम स्मार्टफोन की जो एक तरीके से कह सकते हैं चरम सीमा हो सकती है 2023 के अंदर जो स्मार्टफोन्स अभी बन रहे हैं, क्या ये उस पर पहुंच चुका है। तो बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। वेल, इसका जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ये जो 1 TB वाला वेरिएंट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये 2 लाख रुपए का पड़ता है इंडिया के अंदर। अब आते हैं फोन पे, सवाल जो हमने स्टार्टिंग में उठाया था, क्या हम पीक स्मार्टफोन या एक तरीके से आईफोन की पीक पे हम पहुंच चुके हैं या नहीं, एप्पल फोल्डिंग फोन लॉन्च करेगा या नहीं, क्या रोलेबल डिस्प्ले एप्पल कभी बना सकता है, क्या विजन प्रो जो हमें दिखाया था वही फ्यूचर है स्मार्टफोन मोबिलिटी का, ये सारे सवाल के बारे में आगे चल के इसमें बात करते हैं। डिजाइन की सबसे बात कर लेते हैं। तो 15 Pro Max में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो आया है इस बार जो मटेरियल इसको बनाने में यूज किया गया है पूरी प्रो सीरीज के अंदर। अब ये स्मार्टफोन टाइटेनियम से बनता है। टाइटेनियम, जैसा कि आप जानते हैं, एक ज्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल है टू मेक अ स्मार्टफोन कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील, कंपेयर टू अदर प्लास्टिक मटेरियल्स दैट वी हैव सीन फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स। तो उसके मुकाबले में, ग्लास के मुकाबले में, स्टील के मुकाबले में ये महंगा है, ज्यादा ड्यूरेबल भी है एंड ज्यादा स्ट्रांग भी है एंड साथ में हल्का है। हल्का होना जो इसका है वो आपको इन हैंड फील में सबसे पहले रियलाइज हो जाता है। जैसे ही फोन को मैंने बॉक्स के बाहर निकाला, मैं इससे पहले 14 Pro को यूज कर रहा था, तो मुझे एक कंसिडरेबल डिफरेंस इसमें बाहर निकलते ही एक सेकंड के अंदर दिख गया कि हल्का तो हुआ है, 10 से 12 ग्राम आई थिंक एक्चुअल डिफरेंस आया, लेकिन रियल वर्ल्ड में फर्क आपको फील होता है। जो एजेस हैं उसको भी थोड़ा सा कर्व किया गया है, जिसकी वजह से जो इन हैंड फील है फोन की बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, शार्प नहीं लगता है, पकड़ने में अच्छी इन हैंड फील आती है। इसके अलावा अगर मैं आपको और डिजाइन के मामले में चेंजेस बताऊं तो ऑफकोर्स वो ये है कि नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है। ये सारी बातें आप सबको ऑलरेडी पता ही है, तो इन चीजों के बारे में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। इसके अंदर जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि जो बदलाव आए हैं कितने इंक्रीमेंटल हैं, क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में फ़र्क प्रोवाइड करती हैं। फिर डिज़ाइन में आपको यहाँ पे एक्शन बटन भी मिल जाता है जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसा कि मैंने किया हुआ है। एंड आपको फ्रंट में 6.7 इंच की हाई रिफ्रेश रेट की 120Hz की LTPO पैनल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी आती है, लास्ट ईयर भी आ गई थी। ब्राइट हो गई है काफ़ी ज़्यादा, पीक आउटडोर ब्राइटनेस अब 2000 nits की हो गई है। 2000 nits की डिस्प्ले स्मार्टफोन पे इनक्रेडिबल है। तो आप कितनी भी बाहर धूप में हो, कितनी भी सनलाइट में हो, कितनी भी ब्राइट सिचुएशन हो, डिस्प्ले हर समय आपको क्लियरली विजिबल होगी। ये बात मैं अपनी टेस्टिंग के बाद आपको डेफिनेटली बता सकता हूं। अब इसके अराउंड जो एक सवाल बना हुआ है बहुत सारा कि क्या ये टाइटेनियम की जो बैक है ये क्या ब्रेक हो रही है जल्दी से। बहुत सारे हमने रिव्यूज भी देखे, हमने टेस्ट देखे, अलग अलग यूट्यूबर्स ने इस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे। तो वेल, देखिए डिफरेंस क्या है, जब मैंने थोड़ी इसके बारे में रिसर्च करी वो ये है कि जो इस फोन की बैक है इसके अंदर एक मेटल की शीट होती है जो 14 सीरीज और उससे पहले वाले आईफोन के अंदर बैक पैनल का ही पार्ट थी, लेकिन अब वो इन्होंने यहां से निकाल के उसको एक फोन की बॉडी का पार्ट बना दिया है। तो बैक पे सिर्फ आपको अभी एक टाइटेनियम की जो प्रोटेक्शन है ये यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से फोन कहीं पर ही जल्दी से गिरने में इजिली क्रैक हो रहा है, या फिर लोगों ने हाथ से बेंड करके भी, वो सब हम यहाँ नहीं करने वाले हैं ऑफकोर्स, बट हाथ से बेंड करके भी इसके अंदर क्रैक्स ले आए हैं। तो वो हुआ है क्योंकि मेटल की शीट यहाँ से हटा दी गई है, लेकिन इसका एप्पल कहते हैं कि $200 के अंदर, लगभग अराउंड 16,000 रुपए के अंदर आप इसकी बैक को अब रिप्लेस भी करा सकते हैं वर्सेस पहले जो $500 लगते थे। बट आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड सोल्यूशन। इतनी बड़ी कंपनी है, $1 trillion ऑर्गेनाइजेशन है, देयर कुड हैव बीन अ बेटर ऑल्टरनेटिव। इश्यूज जो आ रहे हैं विद टाइम हमको ज़्यादा पता चलेंगे जैसे जैसे फोन्स और यूजर्स के पास आते रहेंगे, एंड अल्टीमेटली यूजर्स आर द बेस्ट जज एंड रिव्यूअर्स ऑफ एवरीथिंग। तो चलिए बात कर लेते हैं USB-C के बारे में और इससे जो वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए या फिर और किसी पावर यूजर के लिए, गेमर के लिए। तो USB-C की कनेक्टिविटी आ रही थी, EU की रेगुलेशंस थी, उसकी वजह से ये बात हम सबको पता ही थी, लेकिन इससे एक्चुअल में एप्पल ने इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया है एंड यूजर के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो फिल्म मेकर्स के लिए तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स, सिनेमाटोग्राफर्स को हमने आईफोन पे काफी ऐसी सिचुएशन में शूट करते हुए देखा है जहां पे एक ट्रेडिशनल SLR कैमरा नहीं जा पाता। तो वहां पे जो इशू आता था वो ये होता था कि स्टोरेज फुल हो जाती थी। सो अब टाइप सी कनेक्टिविटी से आप सीधा इसमें एक एक्सटर्नल SSD को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड कनेक्ट करने के बाद जो भी रिकॉर्डिंग आप इसमें करेंगे वो सीधा उस SSD के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब आपको सिर्फ एक लंबी बैटरी
चार्ज करके रखनी है एंड इसे आप SLR की रिप्लेसमेंट बना सकते हैं, स्टोरेज का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। प्रो रेज 4K 60 FPS जब आप शूट करने जाते हैं कैमरा सेटिंग्स के अंदर तो वो सिर्फ आपको एक एक्सटर्नल SSD के थ्रू ही चलने को देखने को मिलता है। एक और बात लोग कर रहे थे कि यार एप्पल ना ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी करेगा कि सिर्फ MFI केबल्स मेड फॉर एप्पल जो केबल्स होती हैं उन्हीं से फोन चार्ज होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी PD चार्जर की केबल से, किसी भी नॉर्मल टाइप सी चार्जिंग से ये चार्ज हो जाती है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अभी भी नहीं है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। कम से कम 40-45 वॉट 60 वॉट के आसपास की चार्जिंग सपोर्ट होनी चाहिए थी, बट अभी भी 20 वॉट के आसपास ही ये चार्ज होता है। टाइम लगता है चार्ज होने में, लेकिन चार्ज होने में जो इतना टाइम लगता है ड्रेन बैटरी उतनी जल्दी नहीं हो रही है। आराम से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को इसके अंदर से देखने को मिल जाता है। मैं एक हैवी यूजर हूं, मैं बहुत वीडियोस फोटोज इन सारी चीजें क्लिक करता हूं, तो बैटरी के मामले में काफी इंप्रूवमेंट है। क्यों हुई है वो इंप्रूवमेंट बैटरी में? वो इंप्रूवमेंट इसलिए हुई है क्योंकि बैटरी का सेल तो कोई बड़ा नहीं हुआ है। जिस तरीके से A17 Pro जो इसका नया चिपसेट है उसके अंदर एफिशिएंसी कोर्स को इंक्रीज किया गया है एंड ऑप्टिमाइज जिस तरीके से OS को किया गया है A17 Pro के साथ चलने में, उससे बैटरी के गेन्स काफी होते हैं। तो अगर मैं इसको लेमन के लिए सिंप्लीफाई करना चाहूं तो एक जो CPU होता है उसका जो आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर एफिशिएंसी कोर्स और पावर कोर्स दो तरीके के कोर्स होते हैं। मान लीजिए 6 चीजें लगी हुई हैं, 6 कोर्स लगे हुए हैं, तो उनके अंदर से वो जो 2 कोर हैं वो पावर हंग्री जितने इंटेंसिव टास्क होते हैं जैसे कि हैवी गेम्स को लोड करना या 4K में वीडियो शूट करना या फिर एकदम से बर्स्ट मोड में बहुत सारी चीजें शूट करना, तो वहां पे वो एक्चुअल पावर कोर्स काम में आते हैं। नहीं तो नॉर्मली आप फोन में स्क्रोलिंग कर रहे हैं, कॉल पे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस के अंदर एफिशिएंसी कोर्स ही वो सारा लोड उठा लेते हैं। इस सब की वजह से 90% ऑफ द टाइम मोस्ट यूजर्स मेन कोर्स के ऊपर जाएंगे भी नहीं, सिर्फ एफिशिएंसी कोर्स से ही आप अपना डेली का जितना काम है वो निकाल लेंगे जिससे बैटरी के गेन्स होंगे। तो इस लॉजिक की वजह से 15 प्रो मैक्स के अंदर जो बैटरी बैकअप है वो मुझे अच्छा मिला। आई होप आपको समझ आया, मैंने बड़े सिंपल तरीके से उसको समझाया। इसके अलावा टाइप सी की जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि आप इसके अंदर अब एक PS का जो कंट्रोलर आता है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज एक्सटर्नल डिस्प्ले के अंदर ये सीधा सीधा मिरर हो रहा है। साथ में ही आपको मैंने बताया एक्सटर्नल जितना भी आप इसे एक SSD के साथ शूट कर सकते हैं, सो वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं एंड कहीं ना कहीं पे कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जिस तरीके से एप्पल जा रहा है टाइप सी उसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा क्योंकि सारी एक्सेसरीज अब हर एक्सेसरी मेकर को दो बार नहीं बनानी पड़ेंगी। एक USB-C की एक्सेसरी हर एक स्मार्टफोन में चलनी चाहिए एंड चलेगी भी फ्यूचर। तो मैंने बात करी थी टाइप सी की, अब बात कर लेते हैं एक और जो सबसे बड़ा बदलाव है A17 Pro Bionic के बारे में। वो ऑफकोर्स हमने पहले थोड़ा सा टच अपॉन कर लिया था तो ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। इसके अंदर जो एफिशिएंसी कोर्स है उसकी वजह से अपग्रेड मेन आया है। इसकी जो परफॉर्मेंस अल्टीमेटली निकल के आ रही है बाहर दैट इज ऑलमोस्ट एट M1 लेवल्स। वेल M1 जैसा कि आप सब जानते हैं एप्पल का कंप्यूटर वाला चिपसेट है एंड एक PC वाले चिपसेट से, एक लैपटॉप वाले चिपसेट से आप एक स्मार्टफोन के जैसे स्मार्टफोन से वैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना बहुत ही इंक्रेडिबल है। तो गेमिंग के अंदर इससे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होती हैं। असैसिन्स क्रीड आईफोन के अंदर आने वाली है जैसा एप्पल ने हमको कीनोट के अंदर दिखाया, तो हेवी ड्यूटी गेम्स लाइक से GTA 5 एंड ऑल ऑफ दीज जेंशन इम्पैक्ट और ये सारी जो गेम्स हैं ये स्मार्टफोन के अंदर और बेटर तरीके से चलने वाली हैं, या कहीं PC के टाइटल्स आप स्मार्टफोन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया असैसिन्स क्रीड जो कि एक कंसोल का टाइटल है वो स्मार्टफोन के अंदर खेल पाएंगे। इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि कितनी इवॉल्वमेंट हो चुकी है इन चीज़ों के अंदर। और ये वापस मेरे को मेरे स्टार्टिंग वाले सवाल पे ले जाता है कि क्या हम पीक स्मार्टफोन पे पहुंच चुके हैं। वेल देखिए, इससे ज्यादा अगर आपके पास एक रिसोर्सेज होते हैं, अबंडेंट रिसोर्सेज, और आप एक फोन डिजाइन करना चाहते प्राइस पॉइंट भूल जाते हैं एक सेकंड के लिए, तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर डालेंगे, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा डालेंगे, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले डालेंगे। चार्जिंग की स्पीड ऑफकोर्स बेटर हो सकती थी, बैटरी टेक बेटर हो सकता था चार्जिंग के मामले में, लेकिन इसके अलावा मोर और लेस आई थिंक बहुत कुछ बचा भी नहीं है टू एक्सप्लोर। फोल्डेबल फोन्स आई डोंट थिंक एप्पल इज गेटिंग इनटू दैट एनी टाइम सून, और उसकी जो एक्चुअल यूटिलिटी है रियल वर्ल्ड के अंदर हमने बाकी स्मार्टफोन्स देखे हैं सैमसंग की तरफ से, ओप्पो की तरफ से, Xiaomi की तरफ से जो फोल्ड होते हैं, बट इतना बड़ा एक यूजर बेस वो क्रंच कर नहीं पाए हैं। बाहर फोन्स का मार्केट अभी भी सबसे बड़ा है, तो आई डोंट थिंक एप्पल कभी उसके अंदर जाने वाला है। बट एट द सेम टाइम पीक स्मार्टफोन रीच कर गए हैं आप या नहीं, इस सेक्शन के बाद आपको मैं उसका भी सवाल का संक्षेप में जवाब देता हूं। तो हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, A17 Pro के अंदर गेमिंग, मोबाइल गेमिंग एक बहुत रियल चीज बनने वाली है। रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी अब आप स्मार्टफोन्स के अंदर यूज कर सकते हैं। रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को भी सिंपली समझा देता हूं, जैसे आपने PS5 के अंदर देखा होगा रे ट्रेसिंग बेसिकली रिफ्लेक्शंस जो होती है गेम के अंदर
एक बहुत ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करने के लिए स्मूथली जिस तरीके से वो रिफ्लेक्शंस को ट्रांजिशंस को यहाँ पे कन्वे करता है, वो स्मार्टफोन के अंदर भी आपको एक कंसोल लेवल का एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं चलिए फटाफट से कैमरास के बारे में। 5x का टेलीफोटो लेंस आपको प्रो मैक्स मॉडल के अंदर देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5x का टेलीफोटो लेंस है जो कि 12 मेगापिक्सल के सेंसर के ऊपर बेस्ड है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 12 मेगापिक्सल का ही सेल्फी शूटर है। कैमरे के मामले में इतने मेजर इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं है, एक्शन मोड के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी और इंक्रीज हुई है जिसका आप सैंपल आप अभी देख सकते हैं, बट दैट्स ऑल्सो वेरी रेयर यूज केस सिनेरियो फॉर मोस्ट यूजर्स। कैमरा के मामले में अपग्रेड करना है तो बिल्कुल मत करिए। सो अब लेट्स कम बैक टू द मेन क्वेश्चन, हैव वी रीच्ड पीक आईफोन एंड किसको आईफोन पे अपग्रेड करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप आईफोन 12 आईफोन 11 वाली सीरीज यूज कर रहे हैं तो आप एक प्रो वेरिएंट के अंदर जाना चाहते हैं तो ही आप आईफोन 15 प्रो की तरफ देखें, नहीं तो 13 प्रो वाले 14 प्रो वाले बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इस सीरीज को, इतने इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं है, यू वुडंट बी सैटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर पेइंग फॉर। सेकेंडली बाहर से मंगवा सकते हैं तो बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन जाती है। एंड पीक स्मार्टफोन हम पहुंचे या नहीं, ये मेरे हिसाब से ईयर ऑन ईयर इतने सारे अपग्रेड करना किसी भी स्मार्टफोन जायंट के लिए एप्पल जैसे इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई फील इतना कुछ बचा भी नहीं था एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कैमरा हो गया, दैट्स बेस्ट इन द सेगमेंट, एज गुड एज इट कैन गेट इन अ स्मार्टफोन, वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑल ऑफ दैट, साथ में ही जो डिस्प्ले है दैट्स वेरी गुड वेरी क्रिस्प, स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, बिल्ड में टाइटेनियम का एक्सपेरिमेंट करा, साथ में आपका OS बिल्कुल क्लीन चलता है, सो परफॉर्मेंस लैपटॉप के लेवल वाली परफॉर्मेंस आपको स्मार्टफोन के अंदर अब मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों में तो पीक एक तरीके से कर चुका है, धीरे धीरे करके इंक्रीमेंटल अपग्रेड करेंगे। जो चीज़ें बेटर हो सकती थी वो मैं आपको बता देता हूँ, बैटरी की चार्जिंग स्पीड्स बेटर होनी चाहिए थी। आई थिंक 45-50 वॉट की चार्जिंग तो इसमें कम से कम मिलनी चाहिए थी, अभी आराम से 1.5 घंटा लग जाता है इसको फुल चार्ज होने में। सो पीक स्मार्टफोन की जो बात हो रही है आई थिंक 80% हम वहाँ पहुँच गए हैं, 20% अभी भी स्कोप है। चार्जिंग की स्पीड्स इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, साथ में ही जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो और बेटर होनी चाहिए थी टाइटेनियम होने के बावजूद भी, कि बिना केस के आप इसे यूज़ कर पाएं, गिरने के बाद कोई रिस्क ना हो। ये सारी चीज़ें आई थिंक पीक स्मार्टफोन की तरफ हमें लेके जाएंगी, और मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का जिस दिन टिम कुक स्टेज पे चढ़े या कोई भी ब्रांड का CEO स्टेज पे चढ़े और बोले कि हमने एक फ़ोन लॉन्च करा है, 3 दिन की बैटरी लाइफ आपको इस स्मार्टफोन से मिलेगी। जिस दिन 3 दिन की बैटरी लाइफ हमको एक स्मार्टफोन से सिंगल चार्ज पर मिल जाएगी, स्मार्टफोन से ना कि एक फीचर फोन से, उस दिन मैं बोलूंगा पीक स्मार्टफोन हम रीच कर गए हैं। मैं हूं अनुराग त्यागी, ये था मेरा ओपिनियन अबाउट द आईफोन 15 प्रो मैक्स। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को बताइए किस स्मार्टफोन के साथ आप इसका कंपैरिजन देखना चाहेंगे। Z Fold 5 से मैं इसका कंपैरिजन तो करने ही वाला हूं, S23 Ultra से भी कोशिश करेंगे। यू लेट अस नो इन द कमेंट्स, अंटिल देन साइनिंग ऑफ।